सिद्धार्थनगर जिले के एसपी विजय डुल ने आज 121 मोबाइल धारकों को उनके खोए व गिरे हुए मोबाइलों को सर्विलांस टीम की मदद से बरामद करवाकर सौंप दिया है। पुलिस के इस कार्य की मोबाइल धारकों ने प्रशंसा की है। जिले की सर्विलांस टीम ने अपने विभागीय कार्यों के साथ समय समय पर खोए गिरे मोबाइलों को बरामद कर मोबाइल धारकों को सौंपने का काम कर रही है। सर्विलांस टीम के आरक्षी दिलीप द्विवेदी ने और विवेक कुमार मिश्रा ने इससे पहले भी इस वर्ष में 378 खोए हुए गिरे मोबाइलों को बरामद कर मोबाइल धारकों को सौंप चुके हैं। एसपी ने सराहनीय कार्य के लिए सर्विलांस टीम को उत्साहवर्धन हेतु 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। एसपी टीम ने बताया कि उनका प्रयास है कि अपने कर्तव्य के साथ साथ आम जनता के लिए कुछ बेहतर किया जाए। इसी के लिए सर्विलांस टीम के जरिए जिनके भी मोबाइल खोने या गिरने की शिकायत मिलती है उनको बरामद करवा कर असली मोबाइल धारक को सौंप दिया जाता है। आज जिन 121 मोबाइल धारकों को मोबाइल दिया गया है उनमें रिटायर्ड फौजी, पुलिस कर्मी, पत्रकार आदि भी शामिल हैं। अब तक में कितनी मोबाइल बरामद करके आम आदमी को सौंपा है, चोरी मोबाइल? हमें अक्सर ये शिकायत प्राप्त होती है कि कोई व्यक्ति बताता है कि उसका मोबाइल गुम हो गया है, तो इसी के क्रम में सर्विलांस सेल के माध्यम से जो भी इस टाइप की एप्लीकेशन हमें प्राप्त हुई थी उन सबको मोबाइल सर्विलांस के माध्यम से उन सबके फ़ोन को लोकेट किया गया और आज 121 मोबाइल हम उनके जो राइटफुल ओनर्स हैं, उनके जो मालिक हैं, उनको वापस लौटा रहे हैं। इससे पहले भी विभिन्न तिथियों में पुलिस विभाग द्वारा 378 मोबाइल पिछले एक साल में हमारे जनपद के लोगों को वापस लौटाए गए हैं। जो टीम में काम करे इसके लिए उसको कुछ पुरस्कृत किया जा रहा है? जो सर्विलांस की टीम जिन्होंने ये सारे मोबाइल्स की रिकवरी की है और पहले भी इस प्रकार का काम किया उनको मेरी तरफ से 10,000 रुपये नकद इनाम दिया जा रहा है।